लेटर एंट्री के तहत आईएएस भर रहे हैं, आईपीएस भर रहे हैं, जो दलित आदिवासी उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, ये बैकडोर जो एंट्री हो रही है ये संविधान खतरा ही है। बाबा साहब जो पढ़े लिखे थे उनके अंदर एक काबिलियत थी, उस जमाने में कोई ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, बाबा साहब की चरणों की उसमें धूल नहीं थी कोई। अगर ओबीसी का आरक्षण का कोई विरोध अगर किसी ने किया है तो वो बीजेपी की सरकार ने किया है। जिस समय आरक्षण के लिए जब ये मंडल आयोग लागू किया गया था उस समय अगर किसी ने रामरथ लेके निकला तो कौन सी पार्टी थी आप बताइए। जितने आईआईटी बने कांग्रेस की देन है, आईआईएम बना कांग्रेस की देन है, हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं कांग्रेस की देन है। देश के निर्माण में अगर किसी का रोल है तो संविधान का है। संविधान सबको बराबरी का हक देता है, संविधान स्वर्णों को भी बराबरी का हक देता है, दलितों को भी देता है। बाबा साहब जैसे नेक विचार और दूरदर्शी विचार किसी का नहीं। आप बीजेपी को गाली दे रहे हैं तो आप ताला खोलने वाला भी तो यही है, शिलान्यास करने वाला भी तो यही है, राम मंदिर का ये कांग्रेस जी, कांग्रेस तो आरएसएस की माँ है। क्या कहेंगे सर, अपने मैंने देखा उनमें मैनिफेस्टो था डुमा परिसंघ में कि कर्मचारियों को लेकर जो सीटें खाली हैं उसको भरने को लेकर उसमें बात की जा रही है, आप उसको कैसे देखते हैं? आज की बैठक के लिए सर्वप्रथम मैं डॉक्टर उदित राज जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने दलित आदिवासी ओबीसी माइनॉरिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म के तहत एक मंच में लाने का जो प्रयास किया वो काफ़ी सराहनीय है और स्वागत योग्य है। लेकिन आप लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं और संविधान बचाने को लेकर बहुत देश भर में चीज़ें चल रही हैं, काहे को देखा जाए लोकसभा चुनाव को लेकर एक मैनिफेस्टो बना संविधान बचाने को लेकर, लेकिन देश भर में आज संविधान बचाओ आंदोलन चल रहे हैं, आपके भी मैनिफेस्टो में संविधान बचाओ आंदोलन, मेरे दर्शकों को थोड़ा समझाइए कि संविधान को लेकर किन लोगों से खतरा है, क्यों संविधान बचाओ आंदोलन चल रहे हैं? संविधान बचाने की जो लड़ाई है, अगर इस देश में अगर कोई लड़ रहा है तो डॉक्टर उदित राज जी हैं, बाकी जितने भी कर रहे हैं सब ढकोसला। डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में तीन संविधान संशोधन हुए जिसकी वजह से आज आरक्षण बचा, और हम सभी को विश्वास है कि डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, बहुजन एकजुट होगा और इस तख्ता को जो संविधान विरोधी ताकत है इनको उखाड़ फेंकने में अगर कोई सक्षम है तो डॉक्टर उदित राज जी हैं। लेकिन संविधान को खतरा किन लोगों से है? संविधान को खतरा उन लोगों से है जो लेटर एंट्री के तहत आईएएस भर रहे हैं, आईपीएस भर रहे हैं, जो हमारे युवा हैं, जो दलित आदिवासी जो इतनी मेहनत करते हैं, 8-8 साल से घर नहीं जाते, उनको उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, ये बैकडोर जो एंट्री हो रही है ये संविधान खतरा ही है। और जैसे कि मान लीजिए आज 40 लाख पोस्ट अपने राष्ट्रीय स्तर पे वैकेंट हैं लेकिन उसमें भर्ती नहीं हो रही है, अगर 40 लाख पोस्ट अगर वैकेंट निकलेगी तो उसमें दलित आदिवासी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है लगभग 50 से ऊपर है, तो लगभग ये मान के चलिए कि 20 लाख लोगों की नियुक्ति होगी, अगर 20 लाख लोगों की नियुक्ति होगी तो 20 लाख परिवार चलेगा, 20 लाख परिवार चलेगा तो 20 लाख और दूध वाले चलेंगे, सब्जी वाले चलेंगे, तो इसमें ये समाज मजबूत होगा। आप लेटरल एंट्री की बहुत बड़ी बात की, जिस तरह से लेटरल एंट्री के माध्यम से तमाम आईएएस पीसीएस अधिकारी और भी बड़े उच्च अधिकारियों का पीछे के दरवाजे से भर्ती कर लिया जाता है, लेकिन 65 साल से कांग्रेस के द्वारा ये सारी चीज़ें होती थी कोई नहीं जानता था, लेकिन मोदी जी के तीसरे टर्म में वो लेटर एंट्री को बंद कर दिया जाता है। क्या लग रहा है देश में 65 साल इस देश पर कांग्रेस ने राज की, वो चीज़ें वो संविधान को जन जन तक नहीं पहुंचा पाई, लेकिन 15 साल 10 साल टर्म बीतने के बाद तीसरे जो टर्म में है मोदी जी हर एक व्यक्ति को आगाह कर दिए हैं। देखिए, जो कांग्रेस को दोष देते हैं उनको सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए। आज हम यहाँ बाइट आप ले रहे हैं और मैं बाइट दे रहा हूँ, ये कांग्रेस की देन है। एक ज़माने में दलित आदिवासी इनकी स्थिति क्या थी, सामने झाड़ू और गले में मटकी लगा के घूमते हैं, ये कांग्रेस की देन है, किसी को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन लोग तो कहते हैं कि ये संविधान की देन है। नहीं, संविधान किसने बनाया? संविधान बनाया बाबा साहब ने, बाबा साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे, बाबा साहब ने सबको बराबर का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, लेकिन उस संविधान को जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसका पालन किया गया, लेकिन जब से मोदी की सरकार आई है संविधान का पालन कहीं नहीं हो रहा है। कहाँ नहीं पालन हो रहा है? लेटर एंट्री क्या संविधानिक था? आप देखिए ना, केंद्र सरकार में वैकेंसी 40 लाख पोस्ट है, अगर यही मोदी सरकार संविधान के प्रति समर्पित होती तो 40 लाख पोस्ट पहले कार्यकाल में ही निकाल देते, लेकिन पहले कार्यकाल में तो इन्होंने निकाला नहीं और अभी भी नहीं निकाल रहे। अभी भी देखिए 4 साल का अग्निवीर की भर्ती कर रहे हैं,
चार साल की हमारे मैं जैसे जिस PSU में आता हूँ वहाँ चार साल की भर्ती हो रही, चार साल में आपको कौन लोन देगा? ना आपको गाड़ी का लोन मिलना है, ना आपको घर का लोन मिल रहा है। इससे क्या होगा, राष्ट्र की जो आर्थिक विकास की दर है वो रुकेगी। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाया जा रहा है, सबको अपना अपना आत्मनिर्भर किया जा रहा है। देखिए मोदी जी आत्मनिर्भर भारत जो बना रहे हैं वो सिर्फ उद्योगपतियों को बना रहे हैं। अभी देख लीजिए अदानी जी की संपत्ति देखिए मेरे ख्याल से विश्व में नंबर 1 हो गए हैं। आपका वो देख लीजिए मुकेश अंबानी को देख लीजिए, ये लोग बढ़ रहे हैं, ना हम बढ़ रहे हैं ना आप बढ़ रहे हैं। अभी आप देखिए आप चाहे आप नेशनल दस्तक से हों चाहे मैं जहाँ से हूँ, हम लोग इस तरीके से वही है ना। तो मोदी जी जो बोल रहे हैं केवल ये इनका ख्याली पुलाव है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार अगर बनती है देश भर में तो SC ST OBC के अधिकारों को लेकर अधिकार मिलेगा? इस देश में अगर एक पार्टी कोई है जिसके नेतृत्व में अगर सरकार बनती है जिसमें दलित आदिवासी OBC अगर ये सुरक्षित रहेंगे तो सिर्फ कांग्रेस की सरकार में। बाकी किसी कांग्रेस की बात की जाए, जिस तरह से आप कांग्रेस की बात करते हैं साहू फुले अम्बेडकर विचारधाराओं के नीचे तो आप बात करते हैं बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस साहू फुले अम्बेडकर विचारधाराओं को तो मानती ही नहीं। अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब को संविधान समिति का अध्यक्ष अगर किसी ने बनाया तो कांग्रेस ने बनाया। अगर उस समय अगर मोदी जी की सरकार रहती तो बाबा साहब को वो चेयरमैन कभी नहीं बनाते, कभी नहीं बनाते। वो बनाते किसको, अदानी जैसे लोगों को, अंबानी जैसे लोगों को, ऐसे लोगों को बनाते। तो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा ये है कि इन्होंने बाबा साहब को संविधान समिति का, बाबा साहब को कांग्रेस समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का अध्यक्ष बने थे ठीक है, और उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी जो समझ थी उनके आधार पर वो बने थे, ना कि कोई राजनीतिक पार्टी। नहीं नहीं, लेकिन देखिए जैसे कि मान लीजिए जैसे आप बोलते हैं कि कांग्रेस ने उनको नहीं बनाया, बाबा साहब जो पढ़े लिखे थे उनके अंदर एक काबिलियत थी। उस ज़माने में कोई ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, बाबा साहब की चरणों की उस समय धूल नहीं थी कोई। लेकिन अगर कांग्रेस ने उनको अगर मौका नहीं देती तो हो सकता है कि ये संविधान कोई RSS वाले बनाते, जनता उनको, हो सकता है कि जनता उनको चुनकर भेजी थी, आपको पता है ना? नहीं, जनता चुन के भेजी, लेकिन मौका किसने दिया? कांग्रेस नहीं दिया था है? कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान है कि बाबा साहब संविधान समिति के अध्यक्ष बने। कांग्रेस की देन थी ना, बाबा साहब जब देश के कानून मंत्री थे और बाबा साहब जब SC ST OBC के हक अधिकार की बात करते थे, ओबीसी को आरक्षण देना चाहते थे तो कांग्रेस मना कर दी और बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। नहीं, ये कई लोगों के बीच में गलतफहमी है ना। अगर OBC का आरक्षण का कोई विरोध अगर किसी ने किया है तो वो BJP की सरकार ने किया है। जिस समय आरक्षण के लिए जब ये मंडल आयोग लागू किया गया था उस समय अगर किसी ने रामरथ लेके निकला तो कौन सी पार्टी थी आप बताइए? उस समय ये BJP वाले थे जो मंडल का विरोध किए थे और आज यही मंडल के सबसे बड़े समर्थक बन रहे हैं। ये OBC को समझना पड़ेगा। अगर OBC समाज अभी भी नहीं समझा तो ये उन्हीं का वो, आज ही बताइए इनकी संख्या करीबन 50 से ज़्यादा है लेकिन उनको रिजर्वेशन कितना दिया जा रहा है, 27%। संख्या इस घर में अगर मान लो 100 लोग हैं तो 100 लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। उस घर में आप नौकरी दे रहे हैं 50 लोगों को और जिस घर में 3 लोग हैं उस घर में आप नौकरी दे रहे हैं 100 लोगों को, ये तो असमानता है ना। तो OBC को जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दलित आदिवासी OBC और माइनॉरिटीज को एक मंच में आना पड़ेगा। और इस देश में एक ही नेता है डॉक्टर उदित राज, उसी के नेतृत्व में अगर आएंगे तभी इन लोगों का भला होगा, अन्यथा कोई भला नहीं करता। तो आप मान रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस और BJP के शासनकाल में SC ST OBC का विकास नहीं होगा, कांग्रेस की सरकार में हुआ, कांग्रेस की सरकार होगा, आने वाला हुआ। कांग्रेस की देन है, जितने IIT बने कांग्रेस की देन है, IIM बना कांग्रेस की देन है, हम यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। संविधान का कोई रोल नहीं है? नहीं, संविधान का तो सबसे बड़ा रोल है। इस देश के निर्माण में अगर किसी का रोल है तो संविधान का है। संविधान सबको बराबरी का हक देता है, संविधान स्वर्णों को भी बराबरी का हक देता है, दलितों को भी देता है। बाबा साहब जैसे नेक विचार और दूरदर्शी विचार किसी का नहीं। 65 साल इस देश में कांग्रेस ने राज की, SC ST OBC के लिए क्या क्या किया? अब मैं आपको एक उदाहरण छोटा सा बताऊंगा। कांग्रेस का 65 साल का इतिहास देख रहे हैं आप, मोदी जी का कार्यकाल एक भी बता दीजिए जिसमें एक भी IIM का निर्माण हुआ होगा, एक भी एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल बने। मैं मोदी जी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 65 साल इस देश में कांग्रेस ने राज की, उसने SC ST OBC को क्या क्या दिया, क्या क्या अधिकार दिया, कितने राज्य में MP MLA बनाए, कितने मुख्यमंत्री बनाए, देश के प्रधानमंत्री कितने बनाए। देखिए कांग्रेस के शासन में ही अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने, छत्तीसगढ़ शासन में बने है ना। कांग्रेस की शासन में ही बूटा सिंह जी एक बहुत बड़ा योगदान रहा,
उनको जो आयोग का चेयरमैन बनाया उस समय देखिए आप, कांग्रेस की शासन में ही अभी जैसे क्या बोलते हैं अभी आपका जो ये कहाँ बोलते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में देखिए क्या स्थिति है। तो जो भी देन है कांग्रेस ही की देन है, ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं ना कि 14 साल 15 साल में हमने ओबीसी को आरक्षण भी मिला ना, तो जनता पार्टी की सरकार थी तब आरक्षण मिला। देखिए यही तो गलत फहमी है लोगों के अंदर कि जनता पार्टी के समय में मिला। मेरा कहने का मतलब है ये बताइए मंडल आयोग, मंडल आयोग लगाया किसने, बनाया किसने, मंडल जी ने बनाया, बीपी मंडल जी ने बनाया, जो वाकई में अगर उस समय अगर इसको लागू कर दिया जाता तो मेरे ख्याल से आज देश की स्थिति कुछ और। बीजेपी और जनता दल की सरकार थी ना तो ओबीसी को आरक्षण मिला। मैं आप मानिए जिस समय वीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय मंडल आयोग लागू करने वाले कौन थे, वीपी सिंह जी थे। तो वीपी सिंह जी की सरकार में समर्थन वापस किसने लिया, उस समय समर्थन वापस लिया बीजेपी ने ले लिया, सरकार गिर गई। राजीव गांधी जी की देन है कि आज डिजिटल इंडिया जो आगे बढ़ रहा है, जो पेटीएम से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, जो आप हमारा बाइट दिखा रहे हैं लोगों को, आप मेरा बाइट दिखाएंगे देश में इंटरनेशनल लेवल पे फैलेगा, ये देन अगर है किसी की तो राजीव गांधी की देन। क्या ये सही बात कह रहे हैं? तो आपका जो सवाल था कि डिजिटल इंडिया की बात आपने की, डिजिटल इंडिया का जहाँ तक सवाल है, मोदी जी ने अपनी जबान से कभी नहीं कहा कि मैंने डिजिटल इंडिया बनाया, मैं आया हूँ तो मैं डिजिटली इंडिया को जो है प्रमोट कर रहा हूँ, दैट्स इट। वरना ये सारे काम पहले हो गए, राजीव गांधी नहीं होते कोई दूसरा होता वो भी लेके आता, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं राजीव गांधी ने किया ही, तो कोई अपने मामा जी के घर से ला के नहीं किया, अपने घर से ला के कुछ नहीं किया, है ना। और दूसरी बात, ओबीसी का विरोध करने वाले भी यही राजीव गांधी थे, 4 घंटे तक पानी पी पी के कोस रहे थे, ओबीसी का नहीं होना मंडल ओबीसी आरक्षण के लिए जी, उनको आप पिछड़ों मंडल का ना, बिल्कुल नहीं है। ये तो ताला खोलने वाले बाबरी मस्जिद का ही। आज आप बीजेपी को गाली दे रहे हैं तो आप ताला खोलने वाला भी तो यही है, शिलान्यास करने वाले भी तो यही है, राम मंदिर का ये कांग्रेस जी, कांग्रेस तो आरएसएस की माँ है। आरक्षण की बात कर रहे हैं, 50% से बढ़ाकर अधिक आरक्षण किया जाएगा, और बार बार आप कांग्रेस को सिंपैथी दे रहे हैं, और भाई साहब कह रहे हैं कि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, आज हम जो यहाँ बैठे हैं आपके सामने इस हॉल में हम बैठे हैं, ये कांग्रेस की देन है। बीजेपी का कार्यकाल आप देख लीजिए, पिछले 3 कार्यकाल देख लीजिए कि दलित कहाँ बढ़ा, कौन से दलित लोगों के लिए आपने वैकेंसी निकाल दिया, आज ये बताइए मेरे को। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने इनको प्राइम मिनिस्टर है, हम ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, ओबीसी के लिए क्या किया मोदी जी ने, आप एक भी उदाहरण बता दीजिए। मोदी जी ओबीसी है ही नहीं, क्या ये कह रहे हैं, बोलते तो 15 लाख भी हैं, मोदी जी तो बोलते 15 लाख भी हैं, मोदी जी ये कह रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक चर्चा हो चाहे सामाजिक चर्चा हो, ये कांग्रेस की बिल्कुल झूठ है, ये संविधान की देन है, ये हमारा अधिकार है, और ये हमें कुछ नहीं, और संविधान को कोई लागू, संविधान लागू होता तो खेलकर कमेटी 1955 में जो है 340 के तहत जो है वो ला के उसको मंडल कमीशन तक आना नहीं पड़ता, वहीं वहीं बन जाता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रोक दिया, इसीलिए तो बाबा साहब ने इस्तीफा दिया, हिंदू कोर्ट बिल लाने नहीं दिया इस कांग्रेस ने। सही क्या बात है कर तो? नहीं, कुछ क्या ना बाबा साहब के बारे में कुछ लोग गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। हिंदू कोर्ट बिल तो ये साफ साफ आप देख सकते हैं, अभिलेख है, आप गूगल पे जाकर। मैं अभी ये बोल रहा हूँ, देखिए हम ये क्या है ना, जो मनवादी मीडिया है ये लोगों के मन में जो भूसा भर दिए ना, यही बात हो रही है कि पुराने जमाने में ये हुआ, पुराने जमाने में ऐसा हुआ, इसने कहा है मीडिया का क्या रोल आ जाता है। नहीं, मनवादी मीडिया ये क्या हुआ ना, जो सुबह से शाम तक भूसा भर रही लोगों के अंदर, पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है, उनको रोजगार देने की बात है, उनको रोजगार कैसे दिया जाए, ठीक है, ये बात करनी है, ये देश को कैसे आगे बढ़ाना है, हमारे लोग कोविड में कितने लोग मर गए, उनको कैसे अच्छे से स्वास्थ्य दे सके, उस पे जाना है। पुराना कौन क्या कर दिया, पूर्ण क्या काम तो सरकार की है ना, तो सरकार आप लोग सरकार बनाएंगे वही ना स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार देगी। बिल्कुल, जो सरकार बनाएगा, सरकार का ये काम ही है ये सब करना, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। ओबीसी का कभी भला नहीं हुआ, नहीं SC ST का भला हुआ, नहीं देश के युवा किसी का नहीं हुआ, SC ST OBC में तो सारे देश के युवा वो सब आ गए, SC ST OBC तो है भारत में, बाकी ये जो 2-3% जो है वो बाहर से आए लोग। बाबा साहब चाहते तो सिर्फ अपने जात का भला कर सकते थे, लेकिन वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे सामाजिक दृष्टिकोण से, उन्होंने SC ST और OBC
सभी जातियों के लिए एक समान आरक्षण की व्यवस्था की। जो चमार नेता वो चमारों की बात कर रहा है, जो महार नेता महारों की बात कर रहा है, जो कुर्मी नेता कुर्मी की बात कर रहा है। दूरदृष्टि दृष्टिकोण अभी किसी नेता में नहीं है। जो बाबा साहब के दूरदृष्टि जो था दृष्टिकोण, वो आज के किसी भी नेता में नहीं है। आज के किसी भी नेता में उनके चरणों की धूल के बराबर आज के डेट में कोई नेता। इसीलिए तो बाबा साहब ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। नहीं नहीं, कांग्रेस सरकार से पार्टी में कभी नहीं थे बाबा साहब। बाबा साहब सरकार से इस्तीफा दिया, इंडिपेंडेंट लड़े, उनकी अलग पार्टी थी और कांग्रेस से निकल कर भी कहा था कि मैं जो है पार्टी ही बनाऊं, आरपीआई बना भी दी थी। मोदी जी बोलते हैं 5 ट्रिलियन ये बनने वाला है, तो संविधान की बात करनी पड़ेगी, सभी वर्गों को बराबर लेके चलना पड़ेगा। दलित आदिवासी महिला माइनॉरिटी सब हमारे देश के। देश में 78 साल से चल क्या रहा है, संविधान चल रहा है कि कुछ और चल रहा है? संविधान का पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया है ना। अगर संविधान का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा तो ये जो आज जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारों के ऊपर जो ये हो रहा है, ये कुछ ना होता, आज हम सब बराबर होते। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।